तुड़वाया ही हाथ, क्या हुआ था, बता कैसे गिरी? तो सच बताऊंगी तो मारेगी मम्मी, बाथरूम में पैर भी चल गया, गिर गई, हाथ मुड़ गया। अच्छा, अब तो तेरी माँ से झूठ बोलेगी है बेटा, माँ को ना सब कुछ पता होता है, माँ से झूठ मत बोल, चल बता जल्दी सच, कैसे गिरी? नहीं मम्मी, सच बोल रही हूँ, पैर फिसल गया बस, इसलिए गिर गई मैं। नहीं बताएगी? अच्छा ठीक है, बता रही हूँ। हाँ, गाने गा रही थी, डांस कर रही थी, और फिर ध्यान नहीं था इसलिए पैर फिसल गया। पता था मेरे को तेरी ना यही हरकतें है। इधर आ। तेरे को कितनी बार बोला है कि एक गाना वाना छोड़ दे, पर तेरे को समझ ही नहीं आती है बात, है ना? हाथ तुड़वा के बैठ गई आज, बाथरूम में भी गाना है बस। हाथ दिखा अपना, दिखा। शर्म नाम की चीज ही नहीं है, एक बार बोलने के बाद भी नहीं समझते, इतने जिद्दी बच्चे हो गए नहीं है? जब पूरा का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा ना, तब जाके तेरे को अकल आएगी। इतनी बार बोला है कि बस पढ़ाई पे ध्यान दे ले, पढ़ाई पे ध्यान दे ले, पर नहीं, तुझे तो ये गाने गाने, कीर्तनों में भेज दूं मैं तुझे। तुड़वा के बैठ गई है, पैसे तो माँ बाप के लगते है ना, डॉक्टरों के लेके इनको घूमते रहो, आज के बाद अगर गाना गाया ना तो ठीक है, नहीं गा रही। बाथरूम में नहाने जाती है या गीत गाने के लिए जाती है? अब चुपचाप बैठी रही हो यहाँ पे, आई बात समझ में? और एक गाने गाती हुई ना मुझे नजर मत आ जाइए, तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। लायक बच्चे मेरे ही पैदा होने थे। कैसी मम्मी है, एक तो पहले इतनी चोट लग गई, ऊपर से चार थप्पड़ और मार दिए, तो बारी घूमाती तब जाके थोड़ा सा स्ट्रेस कम होएगा मेरे पैर का। आई मम्मी, आई आई आई। तेरे को पता है एक दिन ना मैं इतना पैसा कमा दूंगा कि ना सोची नहीं होगी, और तेरे जैसे टकले आदमी से तो बात भी नहीं करूंगा। मत पूछ, मैं भी इतना अमीर हो जाऊंगा ना, तेरे जैसे को तो नौकर रखूंगा। नौकर रखूंगा? और हाँ, कम खाकर मोटा होता जा रहा है, तेरे बाप का खा रहा हूँ। कैसे बैठ रहे हैं, टपोरी होगी तेरा? अबे ये हाथ कहाँ तोड़वा लिया तूने? अरे यार, आज सुबह सुबह ना बाथरूम में गाना गा रही थी, तुम्हें तो पता ही तुम्हारी बहन कितनी अच्छी सिंगर है, गाना गाते गाते ना बस इतनी मगन हो गई कि पैर स्लिप हो गया पानी में और गिर गई, हाथ टूट गया, ऊपर से चार थप्पड़ और मारे मम्मी ने। हाय बड़ी बाथरूम सिंगर, और गाने बाथरूम में गाना? अबे ओ, बाथरूम सिंगर नहीं हूं मैं, ठीक है ना, बहुत सुरीली आवाज है मेरी, कोयल जैसी। अच्छा अच्छा चुप रहो, तुमको ये पता है कल हमारे स्कूल में फंक्शन है तो पैसों का इंतजाम किया तुम दोनों ने? भाई देख, मेरे तो पापा ने पैसे दे दिए थे मुझे। अरे हाँ यार, फंक्शन तो मेरे को याद है, पर मेरी मम्मी पैसे तो नहीं देती ना, मेरी मम्मी कहती है स्कूल के फंक्शन में मत जाएगा, स्कूल वाले ना बस पैसे हड़पने के लिए सब करवाते रहते हैं, अपना आराम से छुट्टी मनाइए और घर में आराम करियो, पैसे ही नहीं देते। अच्छा, पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ यार, देख अगर तीनों एक साथ नहीं गए ना तो बोर हो जाएंगे। सही बात है, इसलिए तुम भी मत जाओ। जाऊंगा मैं तो। हाँ, मेरे पास एक मस्त आइडिया है, मेरे ना एक दोस्त के मम्मी पापा है, आज उनके 25th एनिवर्सरी है, और तो ठीक 12 बजे ना उनके घर के सामने पहुंच जाइयो और कोई रोमांटिक सा गाना गा दियो, क्या पता खुश हो गए वो तेरे को 4-5 हज़ार दे दे, बहुत अमीर पार्टी है, बहुत नॉर्मल है उनके लिए ये सब। यार ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, ऐसे तो मैं अपना टैलेंट भी लोगों के सामने दिखा दूंगी और पैसे भी कमा लूंगी और फंक्शन भी अटेंड कर लूंगी। बस बताना उन अंकल का घर कहाँ है।
देख जहाँ से तू सीधा जाएगी, सीधा जाके लेफ्ट होके शर्मा जी का अंकल का घर पता ही है तुझे, उसके सामने के साइड वाला घर है। यार ये तो बहुत पास है, मैं ना अभी आती हूँ, गारा गा के और पैर से कब आ गए, तुम लोग यहीं मिलना मुझे, ठीक है? छेड़ना मत लड़की वड़की। हाँ जा। लेफ्ट मुड़ के शर्मा जी अंकल का तो घर ये वाला है, अब इसके साथ वाला घर ये साथ वाला या वो साथ वाला? वही होगा। अच्छा सा लग रहा है, खुशी खुशी सी लग रही है इस घर में। अब बढ़िया सा रोमांटिक सा गाना गा देती हूँ। अंकल वैसे नॉटी किस्म के तो होंगे, थोड़ा नॉटी सा ही गाना गा देती हूँ। सुबह तक मैं करूं प्यार। ओ ओ ओ क्या कर रही हो इधर? अरे भैया वो आपके मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी है ना, तो बस उनके लिए सरप्राइज सॉन्ग मेरी तरफ से। चलिए अब दक्षिणा दे दीजिए बढ़िया सी। दक्षिणा? दक्षिणा में से को लात और घुसंड दूंगा। पागल औरत, एनिवर्सरी इधर नहीं उधर है, इधर तो मेरे दादा की डेथ हो रखी है और तू इधर आके गाने बजा रही है, देखो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे भैया सॉरी, उस घर में जाने की मुझे इस घर में आ गई। कहाँ रह गई भाई ये? छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं, मेरे घर के आगे आके गाना बजा रही है, देखो मैं छोड़ूंगा। ये भागती हुई क्यों आ रही है? मेरे ख्याल से इसको बहुत सारे पैसे मिल गए, ये खुशी में भागती आ रही है। हाँ भाई, लेकिन इसके पीछे भैया क्यों भाग रहे हैं वाइपर लेके? पता नहीं भाई। भैया ये दोनों लड़के भी मेरे साथ में थे, इन्हीं का आइडिया था कि उनके घर के आगे आके डांस कर और गाना बजा, यही थे। भाई भाग भाग, इसने तो हमको भी फंसा दिया। हाँ भाई। ये वाला क्वेश्चन बताइयो कैसे होएगा? अच्छा कितना सिंपल है। ये वाला सम कैसे होगा? ये वाला सिंपल। बोर हो गए यार, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। कितना सारा होमवर्क देते हैं स्कूल वाले। चल बाथरूम सिंगर तू एक काम कर, हमें ना अपना गाना सुना दे। हाँ हमारा टाइम पास भी हो जाएगा। सच्ची सुनो। ठीक है अभी अपना गिटार लेके आते हैं। सुन ले अब। चलिए शुरू करते हैं। महकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है तेरी कसम, तुझको सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आज रे। अरे गाने गाती हुई ना मुझे नजर मत आ जाइयो, तेरे जबान खाने गाती हुई ना मुझे नजर मत आ जाइयो, गाना गाया ना तुम बात के बाद अगर गाना गाया ना तुम नजर मत आ जाइयो, तेरे जबान खींच
लोग यहाँ ग्रुप स्टडी करने आए थे ना, जाए गाना बजाने। तुम दोनों तो हो ही नालायक और इसको भी अपने साथ नालायक बना रहे हो। तेरे को मैंने कितनी बार बोला है कि ये गाना वाना छोड़ दे, पर तू मानेगी नहीं ना मेरी बात। अभी कह रही हूँ मैं तेरे को, संभल जा, ये गाने वाने में ना कुछ नहीं रखा है, अपना पढ़ाई कर ले और अच्छे से सरकारी नौकरी लग जा। गाना वाना बजाएंगे, मुझे पता है इन सब से कुछ नहीं होता है, बहुत देखे है मैंने। हमारी जैसी क्लास के लोग ना ये सब काम नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लगते हैं अच्छी। मेरे को देख ले, आज मेरे को प्राइवेट जॉब करनी पड़ रही है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख के अच्छी सी नौकरी लग जाए। पर तेरे तो समझ में आएगी नहीं बात, है ना। तू एक काम कर, ये गिटार दे मुझे, जल्दी दे इधर। अगर ये गिटार नहीं दिया ना तो अभी के अभी यहीं तोड़ के फेंक दूंगी इसको। मम्मी नहीं करूंगी, अगली बार मत लो। दे मुझे। नाश कर रखा है इसका। और तुम दोनों आज के बाद ना मुझे इस लड़की के साथ नजर मत आना, खुद भी बिगड़े जा रहे और इसको भी बिगाड़ रहे हैं। गाना सुनेंगे, चलो जाओ अपने घर, उठो। बड़े ही बेशरम हो, इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही, चलो अपने घर जाओ। तू, तेरे को मैं आज आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। अगर आइंदा से मेरे को तेरी जुबान से एक गाने वाने सुन गए ना, तो स्कूल से नाम कटवा के तेरा हॉस्टल में एडमिशन करवा दूंगी। खाई बात समझ में? चल पढ़ाई कर अपनी। पढ़ाई कर, रोके मत दिखा मुझे। तेरे को मैं आज आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। अगर आइंदा से मेरे को तेरी जुबान से एक गाने वाने सुन गए ना, तो स्कूल से नाम कटवा के तेरा हॉस्टल में एडमिशन करवा दूंगी। खाई बात समझ में? अरे बेटा रो क्यों रहे हो? ये दोनों लड़के छेड़ रहे हैं क्या तुम्हें? नहीं नहीं अंकल जी, ये दोनों तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने कुछ नहीं करा, वो मैं किसी और रीजन से परेशान हूँ। अच्छा, तू तो अनीता की छोरी है ना? हाँ अंकल, उन्हीं की लड़की हूँ मैं। बेटा तेरी मम्मी और मैं ना दोस्त हुआ करते स्कूल और कॉलेज के टाइम पे। तेरी मम्मी की कितनी सुरीली आवाज थी, कितने अच्छे गाने गाया करती वो। हर कॉलेज के स्कूल के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेती थी और हमेशा जीतती थी। क्या रियाज करती थी, पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस गाने पर ध्यान दिया करती। पर बिचारी की किस्मत ने कभी साथ ही नहीं दिया। और आजकल क्या कर रही है नीता? अभी तो मम्मी प्राइवेट जॉब कर रही है। अच्छा, मजबूरी भी इंसान से क्या क्या करा देती है ना। वो पढ़ाई लिखाई में ही कुछ कर पाई और उसे गाना गाने का शौक था, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। चलो बेटा कोई बात नहीं, लेकिन तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना और अपनी माँ का नाम रोशन करना। लेकिन बेटा अपनी कमजोरी बाहर किसी को मत बताओ। तुम्हें रोना है, तुम दुखी हो, अपने दोस्तों के साथ बैठो, उनमें शेयर करो, लेकिन ऐसे खुले में बैठ के रोना अच्छी बात नहीं है। और बेटा तुम्हें पता है, अगर तुम्हें अपना सपना पूरा करना हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका एक ही ज़रिया होगा, उसके बहुत सारे ज़रिए होते हैं। चलो बेटा मैं चलता हूँ, एक दिन तुम्हें मेरी बात जरूर समझ आएगी। तूने मेरे को बताया नहीं कि तेरी मम्मी सिंगर थी? अरे मुझे भी नहीं पता था इस बारे में। तो अगर मुझे पता होता कि मेरी मम्मी का सपना था सिंगर बनने का, तो मैं उनका सपना जरूर पूरा करवाती। अब मुझे समझ आया कि आंटी इधर को सिंगर बनने से मना क्यों करती है। सही कह रहा है तू, मम्मी अपनी जगह बिल्कुल सही थी। जो जो मम्मी ने फेस किया वो नहीं चाहती थी कि मैं भी वही चीजें फेस करूँ। हाँ अब देखना, तुम लोग चाहे मुझे कितना ही बाथरूम सिंगर बोलते रहो, लेकिन अब ये बाथरूम सिंगर एक बहुत बड़ी सिंगर बन के दिखाएगी, देखना तुम लोग। लेकिन यार ये सब कैसे करेगी? अगर आंटी को पता लग गया ना, आंटी घर से निकाल देगी। अरे अभी जो अंकल बोल के गए कि अगर आप कोई भी चीज पाना चाहते हो तो उसके बहुत सारे जरिए होते हैं, और मेरे पास एक जरिया है। क्या? तुमने यूट्यूब के बारे में तो सुना ही है ना? हाँ सबने सुना होता है, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतने सारे लोग फेमस हुए हैं उस पे,
तो क्यों ना मैं भी एक चैनल बनाऊं और उस पे अपनी सिंगिंग की वीडियोस डालूं, वो भी अपना मुंह कवर करके। वैसे भी लोग टैलेंट देखेंगे तो मेरी सिंगिंग का ही, मुझे अपना फेस थोड़ी ना दिखाना है। हाँ, चेहरा देखेगा भी कौन, देखने लायक ही खा है। चुप कर यार, कॉमेडी मत किया अगर सीरियस सीन में। हाँ तो फिर मैं आज घर जाते ही अपना सबसे पहले चैनल बनाऊंगी, और फिर अगर एक बार मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हो गए ना तो अच्छा रेवेन्यू बनने लग जाएगा, और फिर पैसे आएंगे तो मम्मी भी खुश हो जाएगी, जिससे मैं फेमस भी हो जाऊंगी, और फिर जब चैनल चल जाएगा अपनी मम्मी के साथ में सिंगिंग करूंगी, मम्मी का भी सपना पूरा हो जाएगा और मेरा भी। हाँ यार, बहुत ही अच्छा आइडिया है ये तो। हाँ ठीक है, मैं ना अब जाते ही सबसे पहले चैनल बनाती हूँ और मम्मी को बताऊंगी नहीं पहले। ठीक है। वेलकम टू आवर चैनल। ये दोनों मेरे दोस्त हैं एंड माई नेम इज फिजा, एंड ऑन दिस चैनल आई विल बी सिंगिंग फ्यू सॉन्ग्स एंड आई होप यू गाइस विल लाइक इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तू है वही दिल जिसे अपना कहा, आपसे जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय बोल दो। बाय। चलो गाना तो रिकॉर्ड हो गया, अब जल्दी से ना मैं वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। अब बाकी की नेक्स्ट वीडियो कल डालेंगे, ठीक है? यार 10 दिन हो गए हमें वीडियो डालते हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, 1-2 व्यूज आते हैं, क्या करेंगे? 1-2 व्यूज का अचार डालेंगे। हाँ, और ना लाइक आ रहे, ना कमेंटर है, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अरे तो क्या हो गया यार, सिंगिंग करने में वीडियोस डालने में कितने तो मजे आ रहे हैं ना, मैं नहीं रुकने वाली जब तक हमें सक्सेस नहीं मिल जाती है। अच्छा चलो यार, अब खेलने चलते हैं, बहुत देर होगी इस काम में। नैन्सी, नैन्सी, जल्दी खड़ी हो। हाँ, तेरे को पता है क्या हुआ? क्या हो गया? अपना फोन चेक कर, पता लग जाएगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, सपना तो नहीं देख रही मैं। और इतने सारे लाइक, इतने सारे कमेंट, इतने सब्सक्राइब, बड़े बड़े सिंगरों ने भी लाइक कर रखी है।
जल्दी से स्टूडियो में चलते हैं और नया सॉन्ग वो करते हैं रिकॉर्ड। चलो चलो। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एक लड़की की वीडियो बहुत तेजी से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उस लड़की ने एक बहुत ही अच्छा गाना गाया है लेकिन उसका फेस छिपा हुआ है, और फेस छुपाने के बाद भी उस लड़की की वीडियो लोग इतना पसंद कर रहे हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रही है। तो चलिए देखते हैं उसके कुछ वीडियोज। क्या आवाज है। मेरे गाने की आवाज अरे आओ आओ बेटा, ये देख लड़की कितनी फेमस हो रही है, कितना बढ़िया गाना गाती है, क्या गला है इसका, क्या आवाज है, कितनी फेमस हो गई है, और ये देख न्यूज चैनल पे आ रही है, मैं तो इसके गाने कई दिनों से सुन रही थी। कितनी अच्छी किस्मत है इसकी, कितने अच्छे पैसे कमा रही है, अपने माँ बाप को पैसे भी कमा के दे रही है और कितना नाम भी दे रही है। ऐसे होती है किस्मत तो, वरना हम जैसे लोगों की कहाँ इस चीज़ में किस्मत चलती है, हमें तो नौकरियाँ ही करनी पड़ती है, इसमें कितना टैलेंट भी है और पैसा भी कमा रही है। मम्मी आपको एक बात बताऊं? हाँ बोल। मम्मी ये जिसके आप न्यूज़ देख रहे हो और गाने सुनते हो ना, ये और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। बेटा तूने कितना नाम रोशन किया है मेरा। बेटा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी की आवाज है, इतने दिनों से जिसके मैं गाने सुन के वाह वाह कर रही थी वो मेरी बेटी की आवाज है। वाह बेटा तूने आज अपनी माँ का नाम रोशन कर दिया। वरना तुझे मैंने एक बात नहीं बताई थी कि मेरा भी सपना हुआ करता था सिंगर बनने का, बहुत अच्छा गाना गाती थी मैं, लेकिन कभी किस्मत ने साथ ही नहीं दिया और आज मजबूरियों के कारण कि नौकरी करके घर चलाना पड़ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मेरा सपना पूरा करेगी, आज मेरा नाम इतना रोशन कर देगी। अरे बेटा तूने ये सब गाने रिकॉर्डिंग ये सब कहाँ करा। चलो आपको अपने ना स्टूडियो में लेके चलती हूँ जहाँ पे मैं सारे गाने रिकॉर्ड करती हूँ। मम्मी ये हमारा स्टूडियो जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ और वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ। वाह बेटा बहुत अच्छा है, चलो आज हम साथ में करते हैं। पर मैं हाँ हाँ आंटी जी आप भी गाओ ना, आज तक हमने आपकी आवाज नहीं सुनी, इसी बहाने आपकी आवाज भी सुन लेंगे। हाँ आंटी गाओ। ठीक है बेटा, तुझे अब अपना फेस कवर करने की जरूरत नहीं है, सबको पता चलना चाहिए कि तू कौन है, किसकी बेटी है।